Hello everyone, today we are discussing here data structures. As we have already talked about data structures earlier, but today we will discuss all them in detail. The first one we are going to discuss here is strings. String is a sequence of characters. पहले भी हमारी बात हुई है कि अलग अलग characters की sequence को अगर हम एक साथ लें, that is known as strings. It is a sequence of characters. और ये कैरेक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि केवल हम अल्फ़ाबेट्स ही इसमें कंसिडर करें, ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल्स में. हम कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं स्ट्रिंग में. सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस बार, नंबर्स, एनीथिंग. और जैसा कि हमें सभी को पता है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स पे काम नहीं करते, मेनली वो डील करते हैं नंबर्स में. और नंबर भी कौन से? बाइनरी नंबर्स, जीरो और वन. तो हम स्क्रीन पे कैरेक्टर्स देख सकते हैं, लेकिन इंटरनली अगर इनकी स्टोरेज की बात करी जाए, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस. तो उन कैरेक्टर्स की एनकोडिंग स्कीम हम कोई ना कोई अप्लाई करते हैं. उस एनकोडिंग को फिर डिकोड किया जाता है. एनकोडिंग करने के बाद वो कन्वर्जन हमारा होता है ASCII और यूनिकोड की फॉर्म में. पाइथन में जो स्ट्रिंग है, दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स. अगर हम पाइथन की बात करें तो जो भी हम सीक्वेंस देंगे उसको यूनिकोड में हम कंसिडर करेंगे. किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उस डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करेंगे. अगर स्ट्रिंग की ही बात करी जाए तो हम स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं. फर्स्ट वन इज़ वी कैन यूज़ सिंगल कोट्स, सेकंड इज़ वी कैन यूज़ डबल कोट्स, एंड द थर्ड वन इज़ ट्रिपल कोट्स. ये ट्रिपल कोट्स हमने डॉक स्ट्रिंग में भी यूज़ किए थे जब इनपुट आउटपुट की हमने बात की थी. तो माई स्ट्रिंग फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है कि जिसमें मैंने हेलो को सिंगल कोट्स में दे रखा है, इसको भी हम स्ट्रिंग ही कहेंगे. एंड द सेकेंड वन इज़ डबल कोट्स, इसमें डबल कोट्स में हमने हेलो को दिया है. दोनों ही सेम चीज़ है, इसमें हमने दोनों में ही स्ट्रिंग दे रखी है. यूज़ हम ट्रिपल कोट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं तो या तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे रहे हो या फिर हम डॉक स्ट्रिंग दे रहे हो, तब हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं. नॉर्मली हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ नहीं करते. बट ऑल द थ्री आर द मैथड्स इन विच वी कैन डिक्लेयर और वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग. वैन वी आर गोइंग टू रन दिस कोड, वी विल हैव द आउटपुट एज थ्री टाइम्स हेलो. पहला प्रिंट स्टेटमेंट भी हेलो ही प्रिंट कर रहा है, दूसरा भी और तीसरा भी. इट मींस कि तीनों ही तरीके सिमिलर हैं, केवल हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका इसमें अलग है किसी भी स्ट्रिंग को जब हम क्रिएट कर रहे हैं. द सेकेंड ऑपरेशन दैट वी कैन अप्लाई ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज हाउ टू एक्सेस द कैरेक्टर्स इन दैट डेटा स्ट्रक्चर और हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर. अब जैसा कि स्ट्रिंग की अगर बात करी जाए तो स्ट्रिंग के एलिमेंट क्या हैं? कैरेक्टर्स. तो उनको एक्सेस करने का जो भी तरीका है, दैट इज नोन एज हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग. वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यूजिंग इंडेक्सिंग एंड द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग स्लाइसिंग. मतलब दो तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पहला तरीका तो है कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करें कि जीरो लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, फिफ्थ लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है. दूसरा है कि हम एक स्ट्रिंग में से दूसरी सबस्ट्रिंग क्रिएट करें. जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, तो उसमें से हेलो को हमें एक्सट्रैक्ट करना है. तो ये तरीका कहा जाता है स्लाइसिंग. दो तरीके हैं एक्सेस करने के, या तो हम एक एक कैरेक्टर एक्सेस करें या फिर एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सेस करें. तो सिंगल कैरेक्टर को हम निकाल सकते हैं इंडेक्सिंग की फॉर्म से, और रेंज ऑफ कैरेक्टर्स अगर हमें लेना है तो उसे हम निकाल सकते हैं स्लाइसिंग की हेल्प से. स्ट्रिंग का कोई भी इंडेक्स है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल मूव अप टू एन माइनस वन. अगर एन कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है तो जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और एन माइनस वन तक चलेगी. और अगर हम किसी भी कैरेक्टर को आउट ऑफ रेंज देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास फाइव लेंथ की स्ट्रिंग है और हम चाहते हैं कि सेवेंथ एलिमेंट प्रिंट हो जाए, तो पाइथन में वो एक एरर आएगी और वो उस एरर का नाम है इंडेक्स एरर. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडेक्स हमारा जो भी है दैट शुड बी इन इंटीजर. कोई भी नंबर होना चाहिए और वो भी होल नंबर होना चाहिए. फ्लोटिंग टाइप्स लाइक 1.5, 1.7 इस तरीके की इंडेक्सिंग नहीं अवेलेबल है पाइथन में. अगर हम इस तरीके की इंडेक्सिंग देते हैं देन इट विल रिजल्ट इन एन टाइप एरर. तो दो तरीके की एरर्स हो सकती हैं जब हम इंडेक्सिंग करेंगे. पहली चीज़ कि अगर हम कोई आउट ऑफ इंडेक्स रेंज कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहें तो वो इंडेक्स एरर जनरेट करेगा. और दूसरी हमारी एरर है कि अगर हमारा टाइप जो है इंडेक्स का हमने इंटीजर के अलावा कोई और लिया है देन इट विल रिजल्ट इन टाइप एरर. नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ है पाइथन में, बट इट शुड बी होल नंबर. बार बार मैं फोकस कर रही हूँ कि इंडेक्सिंग अलाउड है
दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन और कोई हम नंबर नहीं ले सकते, फ्लोटिंग नंबर नहीं ले सकते और कोई टाइप नहीं ले सकते, इट विल रिजल्ट इन टाइप एरर। और इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे अभी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसमें हमने एक स्ट्रिंग ली है माई स्ट्रिंग वेरिएबल में, जिस स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं हेलो। इसमें हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों का कंसेप्ट समझा रखा है, दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। इंडेक्सिंग मीन्स कि हमने पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू असाइंड है उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं, और स्लाइसिंग का मतलब है कि हम एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग या तो कोई रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। स्लाइसिंग में हम दोनों ही कंसेप्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं और कोई सिंगल कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा यहाँ पे है, प्रिंट माई स्ट्रिंग जीरो, इट मीन्स कि माई स्ट्रिंग में जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। और आगे जो हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट बताएंगे, दैट विल बी द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, कि वन से लेके फाइव तक की रेंज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें इस स्ट्रिंग का मेमोरी एलोकेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से होगा। लाइक दिस, वी आर हैविंग अ स्ट्रिंग हेलो। इसमें हमने ये नंबरिंग इनको प्रोवाइड कर दी, इट मीन्स कि जीरो और वन, वन विल बी द सेपरेटर फॉर एच, देन टू विल बी द सेपरेटर फॉर ई। तो ये अलग अलग हमारे सेपरेटर्स हो गए, एक एक कैरेक्टर अलग हो गया। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग इनकी करेंगे तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, माइनस वन माइनस टू एंड लाइक दिस। तो जो पहला कैरेक्टर, पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट माई स्ट्रिंग जीरो, तो ये माई स्ट्रिंग में जीरो लोकेशन पे जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करेगा, इट मीन्स एच। जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो प्रिंट माई स्ट्रिंग माइनस वन, इट विल प्रिंट ओ, लास्ट कैरेक्टर यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। यहाँ पर हमने ये प्रिंट कर दिया। ये थी दोनों बातें इंडेक्सिंग की, कि हमने अगर इंडेक्स जीरो टू फाइव यूज़ किया या नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करा है। अब अगर हम स्लाइसिंग की बात करते हैं तो स्लाइसिंग मीन्स कि रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट माई स्ट्रिंग टू टू फाइव, तो यहाँ पर टू से लेके फाइव का मतलब है, जैसे कि रेंज फंक्शन में भी हमने किया था कि लोअर बाउंड टू से स्टार्ट होगा एंड वी विल मूव अप टू फोर। तो टू से थ्री तक जो कैरेक्टर है एल वो प्रिंट हो, एक सेपरेटर थ्री पे आ गया हमारा। फिर थ्री से फोर तक जो कैरेक्टर है एल वो प्रिंट हो, एंड द लास्ट वन इज फोर टू फाइव, ओ प्रिंट हो जाए। तो एल एल ओ, इट विल गिव द आउटपुट एल एल ओ। द नेक्स्ट इज प्रिंट माई स्ट्रिंग कोलन कोलन एंड माइनस वन, दिस इज यूज फॉर प्रिंटिंग द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करके हमें रिवर्स प्रिंट करना है, तो लास्ट कैरेक्टर माइनस वन पर है जीरो, और इसके बाद रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंट स्टेटमेंट का, इसमें हमने इनिशिएट कर रखा है टू इंडेक्स से, और माइनस टू हमने दे रखा है स्टेप साइज, फाइनल हमने नहीं दे रखा अपर बाउंड क्या है। तो टू पर हमारी वैल्यू है एल, सबसे पहले ये एल प्रिंट करेगा। अब एल से माइनस टू जब करेगा तो माइनस टू विल मूव टू एच, फिर इट विल गिव द आउटपुट एच, और इसके बाद हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो एल और एच इसका आउटपुट आएगा, जो हमारा लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट है। इसको हम रन करके देख लेते हैं कोड को। फर्स्ट एच, देन ओ, लास्ट कैरेक्टर, देन टू टू फाइव, मीन्स टू से लेके फोर तक जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे प्रिंट हो रहे हैं। डबल एल ओ, जीरो वन टू, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया था। द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज प्रिंटिंग द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लास्ट वन इज प्रिंटिंग एल एंड एच। जब हमने इंडेक्सिंग की बात की थी तो दो तरीके की एरर की भी बात की थी। द फर्स्ट वन इज कि अगर हम किसी भी इंडेक्स को आउट ऑफ रेंज यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें पांच एलिमेंट्स हैं केवल, पांच हमारे कैरेक्टर्स थे एच ई डबल एल ओ, यहाँ पर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं फिफ्टींथ कैरेक्टर को, तो ये क्या है हमारा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो इट विल प्रोड्यूस एन एरर, दैट इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जीरो टू फाइव अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हमें प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उससे आगे का जो भी इंडेक्स हम देंगे दैट विल प्रिंट स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने जो इंडेक्स है उसका टाइप चेंज किया है। टाइप की हमने बात की थी कि केवल हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, दैट नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की इंडेक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लोटिंग नंबर यूज़ नहीं कर सकते, कैरेक्टर टाइप यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्लोट नंबर दिया है, और इसको जब रन करेंगे इट विल गिव द टाइप एरर, स्ट्रिंग इंडेसेस मस्ट बी इन इंटीजर्स, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टाइप एरर। ये दोनों एरर्स की हमने बात की थी इंडेक्सिंग में।
नेक्स्ट इज अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के एलिमेंट को चेंज करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो क्या वो ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं। जैसा कि पहले भी हमने बात की थी कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग में कोई वैल्यू असाइन कर दी और हम चाहते हैं कि सेकेंड इंडेक्स पे से वैल्यू चेंज कर दें या थर्ड इंडेक्स पे से वैल्यू चेंज कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग में। हम कोई भी वैल्यू जो ऑलरेडी असाइंड है उसको चेंज नहीं कर सकते। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग में हेलो वर्ड असाइन कर दिया तो उस हेलो वर्ड में आर की जगह एस या कोई और एलिमेंट में इंसर्ट नहीं कर सकती। दैट्स वाई इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग दैट दीज आर इम्यूटेबल। एक बार हमने असाइन कर दिया तो उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम नए नाम से उसको रीअसाइन कर सकते हैं। सेकेंड इज कि हम स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं नहीं, तो एक एक कैरेक्टर तो हम रिमूव नहीं करेंगे, हम डिलीट कर देंगे कंप्लीट स्ट्रिंग को। और अगर हमें चेंज करना है, रीअसाइन करना है, तो हम उस कैरेक्टर को डिलीट करें, उसके बाद हम नया कोई भी कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, हमने माय स्ट्रिंग में लिया हेलो और ओ की जगह आई वांट टू चेंज इट टू एस, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल गिव अ एरर दैट इज एसटीआर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम असाइन नहीं कर सकते अगर हमने ऑलरेडी उसको असाइन कर रखा है। नेक्स्ट में मैंने माय स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया है। अब अगर ये स्ट्रिंग डिलीट हो गई है इसका मतलब कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सो इट विल रिजल्ट इन एरर इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट, नेम माई स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो मैंने डिफाइन कर रखी थी हेलो वो मैंने इस स्टेटमेंट में डिलीट कर दिया। बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। जैसे कि हर डेटा टाइप पे, हर डेटा स्ट्रक्चर पे हम कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नंबर्स पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, इसी तरीके से स्ट्रिंग पे भी कोई ना कोई ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है दैट इज़ कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन का मतलब है जॉइनिंग। कोई भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं उनको हमें एक साथ जॉइन करना है, देन दैट ऑपरेशन इज नोन एज कॉन्कैटेनेशन। दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में पहले भी कर रखा था। दो स्ट्रिंग लिखी हमने, अगर हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल हैं तो स्ट्रिंग, या फिर हमने किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन कर रखी हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स को हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, देन इट विल कॉन्केटेनेट दोज स्ट्रिंग दैट कैन बी टू और मोर इन नंबर। हम एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, एस्ट्रिक ऑपरेटर, एस्ट्रिक साइन यूज़ करेंगे कि हमें एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं S1 और S2। S1 में हमने वैल्यू असाइन करी है हेलो एंड S2 में सतीश, सो इट विल प्रिंट S1 प्लस S2, कॉन्कैटेनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्कैटेनेशन। सेकेंड में हमने S1 स्ट्रिंग को तीन बार रिपीट करवाया, तीन बार मतलब तीन बार प्रिंट करवाया, सो इट विल रिजल्ट इन प्रिंटिंग स्ट्रिंग फर्स्ट थ्री टाइम्स। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा, फर्स्ट में हमने कॉन्कैटेनेशन किया और सेकेंड में हमने हेलो को तीन बार प्रिंट करवाया। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं दैट इज आइटरेशन। आइटरेशन मतलब कि हम एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब ट्रेवर्स करने के बाद हम चाहें तो कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमने एक स्ट्रिंग ली है हेलो वर्ड और इसमें काउंट किया है कि ओ कितने टाइम्स आ रहा है। तो इसमें हमने इनिशियल एक वेरिएबल लिया काउंट जिसकी वैल्यू है जीरो, जब तक हमें ओ नहीं मिलेगा। देन हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है। लूप का कंसेप्ट हम बता चुके हैं कि आइटरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ इट विल एक्सट्रैक्ट वन बाय वन कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग हेलो वर्ड। इस एल में एक एक कैरेक्टर आएगा एंड इट विल मैच इन इफ स्टेटमेंट। एल में सबसे पहले एच आया, इफ स्टेटमेंट में उसका कंपैरिजन हुआ क्या वो ओ के इक्वल है, अगर नहीं है देन द कंट्रोल विल गो बैकवर्ड टू द लूप। सेकेंड एलिमेंट चेक होगा ई, कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पे आएगा, इट विल कंपेयर इट विद ओ, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई तो वापस एल, देन अगेन एल, एंड वेन इट विल एनकाउंटर ओ इन द स्ट्रिंग, जैसे ही ओ मिलेगा स्ट्रिंग में तो ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो हमारा लेटर है दैट विल बी कंपेरेबल टू ओ, और काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ही काउंट में एक इंक्रीमेंट होगा देन द कंट्रोल विल अगेन गो बैक टू द लूप, इट विल फाइंड स्पेस देन W देन O, फिर जब दूसरा ओ मिलेगा
फिर से एक कंडीशन ट्रू होगी और काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2. देन इट विल कंपेयर इट विद आर एल एंड डी एंड द लूप विल टर्मिनेट आफ्टर दिस एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द लूप द प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. और इस प्रिंट स्टेटमेंट में ओ का काउंट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज टू टू लेटर्स फाउंड. मतलब इस स्ट्रिंग हेलो वर्ड में हमें ओ दो बार मिला है, तो जब हम इसको रन करेंगे कोड को द आउटपुट विल बी टू लेटर्स फाउंड. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग. द सेकेंड ऑपरेशन इज मेंबरशिप टेस्ट. मेंबरशिप टेस्ट का मतलब है कि कोई हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. ये मेंबरशिप हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं. अगर स्ट्रिंग की बात करी जाए तो हमारी उस स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी मेंबरशिप टेस्ट है. या फिर कोई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो भी एक मेंबरशिप टेस्ट है. दोनों के एग्जाम्पल हमने लिए हैं. पहले एग्जाम्पल में हमने एल कैरेक्टर को चेक किया है कि वो हेलो वर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. तो मैंने यहाँ पे जब इसको रन किया इट विल प्रिंट ट्रू, क्योंकि एल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है हेलो वर्ड में. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, हेलो वर्ड की जगह मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट एल इन ऑसम, तो एल इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं एक सब स्ट्रिंग को चेक कर रही हूँ कि इस हेलो वर्ड में प्रेजेंट है या नहीं, और इन हेलो वर्ड, सो इट विल रिजल्ट इन ट्रू. अब अगर इस और की जगह मैंने यहाँ पे ओ यू आर लिख दिया तो ये प्रेजेंट नहीं है, इट विल रिजल्ट फॉल्स. इस तरीके से मेंबरशिप टेस्ट करा जा सकता है किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी सब स्ट्रिंग का पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स इन स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग जैसे कि हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो हम इसमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. उन मेथड्स की हेल्प से हम स्ट्रिंग में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग गिवन है, उस सारी स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, देन वी विल यूज़ स्ट्रिंग डॉट लोअर. जो भी स्ट्रिंग है उसके साथ हम एक्सटेंशन में उस फंक्शन का नाम यूज़ करेंगे, उस मेथड का नाम यूज़ करेंगे, मेथड का नाम है लोअर. सेकेंड में हमने लिया है कि कोई भी स्ट्रिंग हमने दी है और एक्सटेंशन में यूज़ किया है अपर, इट विल कन्वर्ट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स टू अपर केस एंड द लोअर विल कन्वर्ट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स टू लोअर केस, लाइक दिस. हेलो इज कन्वर्टेड टू लोअर केस. इन द सेकेंड एग्जाम्पल हेलो इज कन्वर्टेड टू अपर केस. नो मैटर वेदर अ सिंगल कैरेक्टर वॉज इन अपर केस और ऑल ऑफ द कैरेक्टर वॉज इन अपर केस, आपका जो भी है वो पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या नहीं है. नेक्स्ट फंक्शन इज स्प्लिट फंक्शन. हमने एक स्ट्रिंग दी है और उस स्ट्रिंग को स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से हम लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं. जैसे कि दिस विल स्प्लिट ऑल द वर्ड्स ऑल वर्ड्स इन अ लिस्ट. तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, ये स्ट्रिंग है एक पूरी, इसको अलग अलग हमें लिस्ट की फॉर्म में अगर स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग के साथ. ये जो स्ट्रिंग थी हमारी लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है और इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो गए हैं. अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये लिस्ट हमारी ज्वाइन हो जाए और एक स्ट्रिंग बन जाए, तो उसके लिए फंक्शन का नाम है ज्वाइन. इस तरीके से हम उसे यूज करेंगे तो ये हमारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई. नाउ द सेकेंड इज अगर हमें फाइंड करना है, जैसे कि हमने मेंबरशिप टेस्ट किया था कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं, इसी तरीके से फाइंड फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं. ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है कि किसी स्ट्रिंग में ये पर्टिकुलर कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं. जैसे कि गुड मॉर्निंग में एमओ हमें फाइंड करना है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट देन इट विल प्रिंट एट विच लोकेशन इट इज़ गिवन. मेंबरशिप टेस्ट में ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा था कि वो प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन फाइंड फंक्शन का जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो डिफरेंट है. दोनों में रिटर्न चीज़ें अलग हैं, उसमें बुलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है मेंबरशिप टेस्ट में, और यहाँ फाइंड में क्या रिटर्न हो रहा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू के फिफ्थ लोकेशन के बाद हमारा एमओ ये सब स्ट्रिंग फाइंड हो रही है. नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेस फंक्शन. हमारे पास कोई स्ट्रिंग गिवन है, उसे हम नई स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं कुछ रिप्लेसमेंट के साथ. जैसे कि स्ट्रिंग वन में मैंने दे रखा है बैड मॉर्निंग, और बैड को मैं गुड से रिप्लेस करना चाहती हूँ, और एस टू में उसको प्रिंट करवाना है. तो पहले मैंने एस वन प्रिंट करवाई जिसमें बैड मॉर्निंग है, दूसरे स्टेटमेंट में एस टू प्रिंट करवाई जिसमें कि बैड को गुड से रिप्लेस कर दिया. सो द आउटपुट विल बी फर्स्ट वन इज बैड मॉर्निंग एंड सेकेंड इज गुड मॉर्निंग.
नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसमें हम वेरियस फंक्शंस का भी यूज़ कर लेंगे. जो भी कंसेप्ट हमने स्ट्रिंग में अभी तक यूज़ किए हैं, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, वो हम सब इसमें यूज़ कर लेंगे. पहला प्रोग्राम है हमारा टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. पैलिंड्रोम मीन्स उल्टा सीधा एक जैसा. मतलब अगर हमारी स्ट्रिंग हम 0 से 4 तक चेक कर रहे हैं और 4 से 0 तक चेक कर रहे हैं तो वो सेम है. अगर नंबर्स की बात करी जाए, पैलिंड्रोम नंबर मीन्स 1 to 1. अगर हम इसको रिवर्स भी करेंगे तो भी सेम आएगा. तो पैलिंड्रोम, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली है माई एस टी आर, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग ली है मैडम. माई एस टी आर को सबसे पहले हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया. इट इज़ ऑप्शनल कि हम इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपर केस में. और सेम केस में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि इनकी जो यूनिकोड वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी. जैसे कि स्मॉल एम और कैपिटल एम की आस्काई वैल्यू अलग अलग हैं अगर ऑल लैंग्वेजेस की बात करी जाए. इसी तरीके से जो पाइथन है वो यूनिकोड पे काम करता है. स्ट्रिंग के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, तो इन दोनों एम की वैल्यू अलग है, इसीलिए इनको सेम केस में कन्वर्ट कर रहा है ताकि हम चेक कर सकें स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं. तो हमने यहाँ पर लोअर में इसको कन्वर्ट किया है. आपकी इच्छा है, आप चाहें अपर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. देन रिवर्स स्ट्रिंग के लिए स्लाइसिंग में ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो माई एस टी आर को हमने रिवर्स करके रिवर्स स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया. ये नया वेरिएबल है. तो अगर हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम होनी चाहिए. अगर ये, फिर हमने इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया जिसमें कि कंपेयर किया माई एस टी आर को और रिवर्स एस टी आर. माई एस टी आर वॉज द ओरिजिनल स्ट्रिंग और इसमें रिवर्स, जो कि हमने स्लाइसिंग की हेल्प से यहाँ पे किया है. अगर ये सेम है तो प्रिंट होगा गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. अगर सेम नहीं है देन इट विल प्रिंट गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम. तो इसको रन करके देखेंगे. तो क्योंकि मैडम हमारी जो है वो रिवर्स सेम है, इसलिए इसने पैलिंड्रोम प्रिंट कर दिया. अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी दूसरी स्ट्रिंग दे देती हूँ लाइक दिस कॉलेज, तो ये हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है. सो गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू सॉर्ट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उसके जो वर्ड्स हैं उनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है. तो वर्ड्स को अलग करने के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन बताया था स्प्लिट फंक्शन, कि हम लिस्ट में तोड़ देंगे इसको. लिस्ट का एक एक एलिमेंट बन जाएगा. इस स्ट्रिंग को लिस्ट में हम ब्रेक करेंगे. पहला पाइथन अलग हो जाएगा, लिस्ट का पहला एलिमेंट, देन प्रोग्राम सेकेंड एलिमेंट, देन टू, देन सॉर्ट, देन सॉर्ट एंड सो ऑन. तो हमने इस स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन किया लिस्ट ऑफ वर्ड्स में. अब वर्ड्स नाम की जो लिस्ट है उस पर सॉर्ट नाम का फंक्शन अप्लाई किया. इट इज़ ऑल्सो अ प्रीडिफाइंड फंक्शन जिसको हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. और सॉर्ट करने के बाद हमने उस एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया. तो ये इस तरीके से काम करेगा. इस प्रोग्राम में हमने कुछ भी नहीं किया है, एक स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया है स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए. स्प्लिट लिस्ट में करा है हमने, और उस लिस्ट के ऊपर सॉर्ट नाम का फंक्शन अप्लाई किया और फिर एक लूप लगाया इटरेशन के लिए जिससे कि लिस्ट का एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाए. अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है जिसका कि AOPSIPTW. तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है. आई थिंक ऑल द फंक्शंस आर कवर्ड हेयर. वी कैन हैव सम मोर फंक्शंस ऑल्सो, तो उनको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उनका यूज़ आपका हर प्रोग्राम में आ जाएगा. तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था आज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स से, उसके बाद हमने बताया कि हम स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे. क्रिएट करने के 3 मेथड्स हमने बताए थे, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स. तीनों की हेल्प से हम बना सकते हैं. मेनली हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स यूज़ करते हैं इसमें. इसके बाद हमने बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसको किस किस तरीके से कर सकते हैं. उसमें 2 चीज़ें थी, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, जिसमें कि इंडेक्सिंग में हमने बताया था कि हम इंडेक्स एक तो नंबर में लेंगे हमेशा, और उसका टाइप हमेशा नंबर ही रहेगा, फ्लोटिंग या किसी और टाइप का नहीं लेंगे. इट विल जनरेट द टाइप एरर. दूसरा हमने एक एरर बताई थी कि इंडेक्स रेंज में अगर वो नहीं आ रहा है तो हम उस कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. स्लाइसिंग में हमने चीज़ें बताई थी कि अगर हमें रेंज ऑफ कैरेक्टर्स निकालनी है, कि इस पर्टिकुलर रेंज से स्टार्ट करके और लास्ट तक हमें निकालना है, तो हम, या लास्ट तक भी नहीं निकालना, हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक निकालना है. एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्लाइसिंग. नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से हमने रिवर्स ऑफ एनी स्ट्रिंग प्रिंट करवाया था. द
देन द नेक्स्ट वॉज कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग में से कोई डेटा चेंज करना है या फिर उस स्ट्रिंग को डिलीट करना है, तो डिलीशन पॉसिबल है, लेकिन अगर हम डेटा को चेंज करना चाहें तो वो स्ट्रिंग्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर हमने वैल्यू असाइन कर दी है तो उसमें से हम कोई एक सिंगल एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, या तो हमें उस कैरेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा या पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट वेरियस ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग. पहला था कॉन्केटेनेशन, मीन्स जॉइनिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स. सेकेंड, अगर एक स्ट्रिंग को हमें मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है. नेक्स्ट था आइटरेशन, कि एक स्ट्रिंग को हमें पूरा एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके चाहे तो हम प्रिंट करा लें या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें. उसके नेक्स्ट हमने मेंबरशिप टेस्ट किया था कि कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं. देन हमने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात की थी जो कि स्ट्रिंग के लिए अवेलेबल हैं, लाइक लोअर, अपर, जॉइन, स्प्लिट एट्सेट्रा. और फिर हमने दो प्रोग्राम डिस्कस करे थे जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स जो हमने अभी तक पढ़े थे वो कवर हो गए थे. फर्स्ट वन वॉज टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, एंड द सेकेंड इज टू सॉर्ट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. थैंक यू.